ये क्लियो केयर वेलफेयर एसोसिएशन एक एनजीओ है जो कि वर्क करती है अंडर प्रिविलेज फीमेल्स और अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए। पिछले 3 साल से हम इसके लिए काम कर रहे हैं। आज हमने ये एक फ़ंड रेजर प्रोग्राम किया है जिसमें हमने ऑर्फनेज के इसके बच्चों को एक हिम्मत देने के लिए, मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ने के लिए उनको स्टेज पर लाया है। उनके साथ में थिएटर आर्टिस्ट और हमारे कुछ डॉक्टर्स भी हैं जो अपने शहर के जाने माने डॉक्टर्स, उन्होंने भी इस शो में परफॉर्म किया है। सो ये शो एक हिम्मत का शो है, एक जुड़ता का शो है। इसमें बहुत सारी एनजीओज हमारे साथ जुड़ी हैं, फिकी फ्लो, वुमेन नेक्स्ट डोर, सीनियर सिटीजन होम्स, देन देर आर अराउंड 13 एनजीओज विच हैज़ कम अप विद अस फॉर दिस। सिटी नीड्स से मनीष दीवान सर ने हमारे को बहुत गाइड किया है इसके लिए, और आज आप प्रोग्राम को देख ही रहे हैं कि फुल हाउस, फुल शो, फुल ऑफ एंथुसियाज्म दैट इज़ देयर। इसके अलावा हमारे को बहुत सारे लोगों ने स्पॉन्सरशिप भी इसके लिए दी है, जिसको हमें बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ही हमें मिले। अंबेरा ग्रुप ने हमें, जो हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स हैं, और इसके अलावा हमारे पास में गोल्ड एंड ब्रॉन्ज स्पॉन्सर्स हैं जिनके लोगोज हमारे टिकट्स के ऊपर हैं। कैसा रहा आज का इवेंट, देखा हाउसफुल था, कैसा रहा? दिल खुश हो गया ये देख के कि ये एक जैसी सोच के कितने लोग हैं हमारे लुधियाना में। ऐसा नहीं है कि हम ढूंढेंगे तो नहीं मिलेंगे। आज सबने हाथ जोड़ के, हाथ मिला करके आज इस प्रोग्राम को यहाँ तक पहुँचाया है। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैसेज ये है कि हम किस कंडीशन में पैदा होते हैं या हमारी आसपास के घर में क्या कंडीशंस हैं, वो शायद इतना मायने नहीं रखती, लेकिन अगर हमें मौका मिले, वो मौके को समझ के, स्किल को अक्वायर करके, और अगर हम आगे बढ़े, तो शायद कोई भी बच्चा, कोई भी लेडी जो बहुत ही वनरेबल ग्रुप ऑफ पीपल है, वनरेबल ग्रुप में किसको बोल रही हूँ, टीनेज गर्ल्स जिनकी प्रेगनेंसी हो जाती है, या फिर जिनको घर में अब्यूज़ होता है, या बच्चे जिनके साथ मारकाट होती है, या बाल होता है, या फिर उस तरह के लोग जो अपने आप इंडिपेंडेंटली अर्न नहीं करते हैं, इसलिए अपनी इच्छा से कुछ भी आगे पढ़ाई या कोई भी चीज़ नहीं कर पाते और वहीं रुके रहते हैं, उन लोगों को स्किल सिखाना, वोकेशनल ट्रेनिंग देना, यही मकसद है आज के इस प्रोग्राम का। और आप लोग मीडिया हो, आप लोग तो बात को कहीं तक भी पहुँचा सकते हो, तो हमारा मीडिया ने भी बहुत ज़्यादा साथ दिया है इसके लिए, और आप लोगों ने ही इसको आज यहाँ तक पहुँचाया है कि आज आप हाउसफुल देख पा रहे हैं। मैं डॉक्टर विकास बंसलू, मैं क्लियो केयर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से सबका धन्यवाद करता हूं कि हमने जो अलादीन शो कराया, इन लोगों ने इतने ही बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट किया कि पूरा हाउस फुल जा रहा है। इतना सक्सेसफुल शो हो गया कि हमें खुद ताजुब हो रहा है कि कैसे सिटी ने इसमें सब ने योगदान दिया, और जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं जो ये शो कर रहे हैं सारा, जिन्होंने सारा शो प्रिपेयर किया है, उनको देखने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए, उनको अप्रिशिएट करने के लिए कितने लोग सामने आए। और आज जैसे आपने देखा कि इससे पहले, शो से पहले भी कई सारे ग्रुप्स जो हैं वो धीरे धीरे अपने एसोसिएशन हमारे साथ अनाउंस करते जा रहे हैं। अभी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर ने कहा कि जितने भी रोबोटिक्स के कोई भी आगे प्रोग्राम्स हैं, जो कि कोर्सेज हैं जिनके लिए वो कई हज़ार रुपये चार्जेस लेते हैं, वो इन बच्चों के लिए वो आगे उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट अनाउंस कर दिया है कि कभी भी इनको कोई भी प्रोग्राम कराना है, कोई कोर्स के लिए इनरोल करना है, इन बच्चों के लिए फ्री है। ऐसी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पूरे लुधियाना वासियों से, जो किसी ना किसी भी फॉर्म में आगे आएँ, इन बच्चों की वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए आगे आएँ, ताकि हम मिल के इनके कुछ ना कुछ इनमें कोई ना कोई स्किल डेवलप करा सके, ताकि आगे चल के बड़े होके ये बच्चे इस शो के माध्यम से अपने आप आगे बढ़कर अपने लिए कुछ कर पाएँ। बच्चे वास्ते मैसेज है, जेडे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं और जेडे बच्चे सामने ऑडिटोरियम च बैठे है, वो बच्चों का उत्साह देखो। हर एक बच्चा चाहता है कि मैं उस स्टेज पर जावा, तो सब के सामने कुछ करके दिखावा। एक बच्चों की जिड़ी भी उन्होंने क्वालिटीज़ है, उन्होंने अगे लिया का एक तरीका है, उन्होंने कॉन्फिडेंस यस देखिए कितना अच्छा परफॉर्म किया। थोड़ा लग रहा है भी तुम देख पा रहे थे कि बच्चा थिएटर आर्टिस्ट है, तो कि एक अंडर प्रिविलेज बच्चा है। बहुत अच्छा शौक है, अज साडे बच्चे स्टेज पर शाइन किए हैं। पहली बार इन बच्चों इन्ना बड़ा मौका दिता गया है कि सारे लोग इन्हों का डांस, इन्हों की परफॉर्मेंस, इन्हें अवार्ड सैरेमनी देखने आए हैं। मैं बहुत खुश हूँ, बच्चे बहुत खुश हैं, और इस तो वड्डी चीज़ कोई नहीं है। मैं बच्चियां नू इस सोसाइटी दा नाल साडी टीम कनेक्ट करना चाहती सी,
और साडा उपराला बहुत सक्सैसफुल रहा है। असी चाहते हैं सारे मिल के आके इन्हों बच्चों का भविख ब्राइट करिए, उन्हें दे हाथ पकड़ के इनू अगे वधाएं। तो इन्हों 18 साल तो बाद भी जब कोई फैमिली नहीं रहती तो अनाथ आश्रम भी नहीं रहा, इन्हों अपना बनाएं। शुरू तो हूँ तक बड़ी मेहनत की है, आज शो सक्सेसफुल हो गया, पता नहीं क्या कहना चाहिए। देखो ये सबकी मेहनत है, ये हम अकेले की नहीं है, बट बहुत खुशी है कि सब लोग बारिश के बावजूद मिलने आए, बच्चों को देखने आए, अलादीन का शो एंजॉय किया और इसके बाद हमें और हिम्मत मिली है, हम अगली बार ये जरूर करेंगे। बिल्कुल, हम अगली बार इससे भी बढ़िया करके दिखाएंगे। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, आज जोश जो है उनका, डेफिनेटली इससे बढ़िया परफॉर्मेंस नेक्स्ट टाइम, इससे और बड़ा ग्रैंड शो हम करेंगे। शहरवासियों का किस तरह से सहयोग मिला, किस तरह का रिस्पांस रहा? मैं ये कहती हूँ कि सब हमारे BNI ऑर्गेनाइजेशन, JSEI ऑर्गेनाइजेशन, हमारे डॉक्टर्स कम्युनिटी, सब ने इतना सहयोग दिता है, आज सारों ने खड़े होकर बच्चों के लिए तालियां मारी है, इससे बड़ा सपोर्ट हमें कभी नहीं मिल सकता था। तो ये उन सब के लिए बहुत हाथ जोड़ के थैंक यू है, जिन्होंने हमारे शो को, हमारे बच्चों को सपोर्ट किया।